TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की शाम के पैगाम हैं। आप हर के खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते नमस्कार खून मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दग ब्लड सूरीनाम से निकालकर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, अप्रैल की 17 तारीख, आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज के लिए कॉम्बियो कोर्स $4 फिर अंदर तक 5.6 तक है और फिर एरो के लिए 5.5 तक 7 तक है, तो ये भी आपको मालूम हो चला। और तेल का दाम ज़रा से बता दें, गोतू के पास ऑन लेदत इस वक्त में द्रियम फेयर तक नोल नहीं का है और डीजल के वास्ते तुवें फेयर तक तुवें तक एरबे ए के पास ऑन लेदत इस वक्त में फिर फेयर तक ए न सेफ तक और डीजल के वास्ते द्रियम फेयर तक सेफन तख तक है, तो ये भी आपको मालूम हो चला। मेनिंगन फॉर देल्ट ओफर फॉर स्टैरकन बंदन में चीना, अपना अपना ख्याल लोग इसके सिलसिले में पेश करता है, जो यानी कि कोशिश की जाती है चीना के साथ संबंध और जबर करने के लिए और जबरदस्त बनाने के लिए, तो लोग अपना अपना ख्याल इसके सिलसिले में देता है। देना लेत बौफा फालन सोशल बलैत एन आर्मोद और जाकन फन क्रिमिनलिटाइज क्रिसिस, इस वक्त में जो खून खराबा चोरी चपाटी डकैती होता है, तो देना लेत बौफा कहता है कि ये गिरी हुई सोशल बलैत जो है, जो आर्मोद यानी कि गरीबताई के तरफ जा रहा है, ये सबब है कि ये क्रिमिनलिटाइज क्रिसिस इस वक्त में सूरीनाम के अंदर है। मतलब ये है कि चोरी चपाटी खून खराबा डकैती हो रहा है और जिससे जनता की बहुत मुसीबत और दुख होता है। मेयर नौरख दान आलिन फॉर स्ट्रैगन फॉर्म फुटसलान केंद्र ऑफ स्कोलन, न सिर्फ खाना पीना बच्चों के लिए लेकिन और ज़रूरी है स्कूल पर देने के लिए। डॉक्टर रितेश धनपत कहता है लाच ब्लड ड्रग मेटन बाय द हेल्थ आर्ट्स एंड लीफ एंड खजोन लीफ एंड स्टाइल, यानी कि कहता है कि अपना ब्लड ड्रग को वक्त के साथ आपको चाहिए इसको देखभाल करवाने के लिए अपने हेल्थ आर्ट्स के पास, अपने डॉक्टर के पास, और कोशिश करें आप एक अच्छी तरह से यानी कि अपना सेहत जो है अच्छा रखने के लिए, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए। एथ खबरक फन खरामाक्सोन फॉर जैलफ दो दिन एन एरस तक प्रॉब्लम इन सूरीनाम, खरामाक्सोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं कीड़ा मकौड़ा घास घूसा नाश करने के लिए, अब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं खुद अपने आप को नाश करने के लिए, बहुत से लोग इसको पी जाते हैं यानी कि मरने के लिए। आगे चलकर बता दें कि सेशन दया तक यारख ब्राजीलियान से ड्रग्स मोकलार रेनान पाचेचो दे ओलिफियरा खसौक दौर यूस्टिशियल ऑथोरिटाइज, इनका तलाश हो रहा है। बहुत सी बुरी हरकतें किए हैं, अब पेखे ये हुक्म दिया है इनको तलाश करने के लिए और पकड़ने के लिए, और इनको जज के सामने पेश होना ज़रूरी क्योंकि बहुत गड़बड़े हरकतें किए हैं। जिनका पैदाइश दिसंबर की 31 तारीख हुई है 1987 में ब्राज़ील में, ये आदमी के ऊपर इल्ज़ाम है कि बहुत से ऐसे हरकतें वैद फरदोफन द मेदलन यानी कि नशीली दवा की कारोबार करता है, और ये भी खून खराबा यानी कि चोरी डकैती में हिस्सा लिए हैं औरों के साथ मिलकर और द्रोह की धंधा किया है, जहां पर ये यानी कि अपना मदद दिया है इसको अहमियत देने के लिए पहुंचाने के लिए जहां पहुंचाना ज़रूरी था। और जो लोग इसके सिलसिले में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं तो गुजारिश की जाती, निवेदन करता है OM यानी कि पेखे ये निवेदन करता है तार के ज़रिए ये इतला करने के लिए। फेयर तक आख्त फेयर तक सेशन सेस तक और फेयर तक सीफन फेयर तक सीफन फेयर तक कॉमन सेंटर इन इन फेब पर भी आप कर सकते हैं। तो देखो इनका तलाश है बुरी हरकतें से अब्बे यानी कि फेल खैद के सिलसिले में जो बात होता है, तो यही ये लोग है जो मुसीबत देता है हमारे देश के अंदर, और ये लोगों को पकड़ना ज़रूरी है, और ज़रूरी न सिर्फ पकड़ने के लिए लेकिन जो इनको सजा होना चाहिए, ज़बरदस्त सजा देना ज़रूरी है। मेयर नौदान अलीन फॉर स्ट्रैगन फ्रॉम फुटसलान केंद्र ऑफ स्कोलन, इससे ज़्यादा और ज़रूरी न सिर्फ खाना पीना बच्चों के लिए, क्योंकि फर्स्ट लेडी मेलिसा संतोखी सैनिचरी सूरीनाम के अंदर ये एक प्रोजेक्ट तैयार की जहाँ पर जिन बच्चों को ये ज़रूरी है ब्रेड और पीने के लिए देने के वास्ते, तो ये किया है और ये ज़रूरी समझा है कि जबकि इस पर आवाज़ उठाई गई है तो स्कूलों पर ब्रेड और पीने की सामान पहुँचाने के लिए, और ये किया। लेकिन दखबलात को ये खबर मिला है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ब्रेड ले लेते हैं और स्कूल के बाद ब्रेड
फेंक देते हैं, ना ये बर्बाद होता है और इसका वजह क्या है अभी तक पता नहीं है। बहुत से ऐसे लेर कराख्तन जो है इसके सिलसिले में इन लोगों को मालूमात है और कहते हैं वो बच्चे जो लेकर फेंक देते बर्बाद करते उन लोगों को अब ब्रेक नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये खाना की बर्बादी होता है, ये लोग नहीं चाहते कि ये हो। और ये ज़रूरी है कि और छानबीन करने के लिए कि इसका समस्या या क्या है और क्यों ऐसे बच्चे करते हैं। दे अनालत बौफा, ये सोशल बलैद के सिलसिले में और गरीबताई के सिलसिले में कहा, यही सबब है कि हमारे देश के अंदर खून खराबा डकैती बहुत ज़्यादा होते चले जा रहा है, क्योंकि जो बलैत है इस सरकार का ये गिरता हुआ बलैत है, जो अच्छी तरह से ना इस पर काम नहीं की जाती है। तो मेल्फिन बौफा ये अपना आवाज़ उठाए और कहा है कि ये सबब होता है क्योंकि अब क्रिमिनलिटेट यानी कि डकैती और ज़्यादा होते चले जा रहा है और लोगों के अंदर यानी कि सुरक्षा की कोई गुंजाइश नहीं होता है, यानी कि लोगों की डर और भय के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। क्रिमिनलिटेट चाहिए इस तरह से सरकार को आन पाक करने के लिए, इस पर अहमियत देने के लिए, ताकि ये कम हो। और पार्लियामेंट में इसके सिलसिले में बहुत से दिबात हुई है, बातचीत हुई। बौफा कहा कि रखेरिंग को चाहिए न सिर्फ आकर अच्छी अच्छी खूबसूरत से खूबसूरत कहानियाँ बताने के लिए, कोर्स हस्ते और दालंदे फ्लासी ये बातें के लिए कोप क्राख, तो देखा जाता है कि जनता के अंदर और बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर कोप क्राख फर्स्टैरकिंग और ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सबब इसका यही होता है कि बहुत से ऐसे चीज़ों पर यानी कि दाम चढ़ाई चली जा रही है और यह स्त्रोम तारीफ, और फिर भी जो सामान की दाम होता है ये चढ़ते चले जा रहे हैं। ओकत खबरक ऑन दर वेस के सिलसिले में ये कहता है कि बहुत अच्छी तरह से ऑन दर वेस भी नहीं होता है, ये सबब है कि भैया मुसीबत देता है और क्रिमिनलिटेट यानी कि डकैती खून खराबा हमारे देश के अंदर ज़्यादा होते चले जा रहा है। खजेन एन वाखनगन दाकलोस और वोनिंग ब्रांत, एक परिवार जिनका घर मकान जल गया वाखनगन में, अब ये घर से बेघर हो गया है। और यह इतवार अप्रैल की 14 तारीख को और सिपाही को खबर मिला, वहाँ पर जाकर देखा तो उस वक्त में ब्रांतवेयर यानी कि बुझा रहा था आग। और जो परिवार यहाँ रहते हैं हो बोनर एम आ, ये कहता है सिपाही से कि वो घर पर ये लोग परिवार नहीं था उस वक्त में, ये केरकी में था ना कैरक में था, केरकी गया था। तो भैया इन लोगों के घर में आग लगा, पता नहीं कि कैसे ये आग लगा, इलेक्ट्रिसिटी नेट पर ये था यानी कि इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई थी ये मकान में, लेकिन ये मकान फर्सेकर नहीं था, बरामद फर्सेकर नहीं था। सिपाही छानबीन कर रहा है कि वजह क्या है। मानदूत आनखिफ्त जोन फॉर दीपस्ताल बधराएंगे पोखिंग तौर ब्रांस देखते हैं, यानी कि एक माँ खुद अपने बेटा के खिलाफ जाकर आनखिफ्त किया है सिपाही में, यानी केरी में हुआ। क्वारंटाइन पाउडर की बिरो पर अप्रैल की 14 तारीख इतवार को एसएम जहाँ ये रहता है इनको पकड़ा गया है सिपाही के जरिए, क्योंकि ये कोशिश किया घर में आग लगाने के लिए, न सिर्फ धमकी लेकिन कोशिश भी किया है। 20 लिप्स का खास सिलेंडर ये चोरी कर बेच दिया है, सिपाही यहाँ पर आकर पकड़ा, ये शराब में धुत था उस वक्त में और सिपाहियों से लड़ने लगा। भैया सिपाही तो आप जानते हैं कि इनको पकड़ कर बिरो ले गया इनका जो नशा है उतारने के लिए, और नशा उतरा जब तो भैया ओबंबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनको पकड़ कर बंद किया है, ऑन सुख जारी है। मान बद्रेख एखनार कोपियर जाक में दोत एंड इन ब्रांस टीकन जाक, अब देखो ऐसा लगता है कि एक आदत हो गया है, एक दूसरा आदमी एक एखनार जो है कोपियर साक का इनको धमकी देता है कि तुम्हारा सामान हम आग लगा देंगे और तुमको जान से मार देंगे। तो यही होता हमारे देश के अंदर, खून खराबा डकैती ना लोगों को धमकी, यही वजह है ना, क्योंकि जो क्या कहते लापरवाही जिस तरह से होना चाहिए इन लोगों को ऊपर निगरानी करने के लिए नहीं होता है। एखनार जो है बुध अप्रैल की 10 तारीख आनखेफ तक किया है कि एक आदमी धमकी दिया है बिरो निवहाफन पर, यहाँ पर उस दिन एक क्लांत ला रिच्सा और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आए इसको प्रिंट करवाने के लिए अमदत एर कोरेक्सिस आँख अबराख मुस्तनवान कोरेक्सी कुछ अदला बदली इसमें होना चाहिए था। और अपार तक कंप्यूटर वार फोर्स है ट्वेंट तक मुस्बतान 20 एस आर दे इनको और ज़्यादा भरना पड़ा क्योंकि यह कोरेक्सी होना ज़रूर था। तो भैया जब इसको ये बात कहा गया द जाक द फरलातन ना दात हार हर हार लकवास का फराक द जाक द फरलात वैर से दौर द एखनार और द जाक हसैद, क्योंकि इनको कहा गया कि यहाँ से चल जाने के लिए और नहीं गया
तो एकनर इनको बाहर कर दिया। इनका भाइयों न वहाँ पर आया और भैया तू तत्ताकलन अंदर जैन बैग पर सोलक जाओ ओपस नहीं दन। भाइयों आया और बोले इनको मार पीटने लगा, बोले तुम्हारा पेट फाड़ के, बोले जितना कुछ उसमें भरा हुआ बोले हम सब बाहर निकाल देंगे। तो भैया देखो और 34 साल का एर आ लारिसा 30 साल का दे ई, ये सभी को पकड़ कर सिपाही इस वक्त में बंद किया है, छानबीन हो रहा है। तो भैया देखो जिसको न जिसको अपना क्या कहते हैं उसको अपना जो ख्याल है जो बातें हैं जो चाहते करने के लिए नहीं कर पाते हैं तो धमकियां देते और मारने की और आग लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें जो है इस पर अहमियत लाना ज़रूरी है और ये बंद होना ज़रूरी, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि जो इज्जत है हमारे देश के अंदर एक दूसरे के लिए अहमियत जो है ये बिल्कुल गुम हो गया है। बहरहाल हम तो आपको इज्जत करते हुए और तमाम खबरें जो ज़रूरी है आप तक पहुंचाने के लिए भैया इकट्ठा करके दाग बला से सोनी के साथ मिलकर खरबोट जोर बटोर कर लाकर आपके सामने रख दें, जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों रही किशोर साहब सोनी हमारे लिए आप छोड़ देना। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।